please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से ढेर सारे शेप्स को किस तरीके से मर्ज करते हैं, सब कुछ प्रोसेस आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल बने रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ढेर सारे लोग ने मुझे कमेंट करके बताया, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग शेप के हम मर्ज कैसे करूँ, वीडियो में समझ नहीं आ रहा है, इस तरीके से ढेर सारे लोग ने यहाँ पर कमेंट किया है। दोस्तों देख सकते हो, इस कमेंट को यहाँ पर मैं ख्याल करते हुए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर एक आपको वीडियो ही बनाकर आप बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ दोस्तों सब कुछ आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर, और शेप्स आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे कि ये वाला शेप से मैंने ड्रॉ किया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, हाँ ये वाला मैंने एक शेप ड्रॉ करके दिखाऊंगा दोस्तों, ये वाला शेप्स, और उसके बाद यहाँ से दोस्तों मैं ये वाला एक शेप्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो ये वाला एक शेप्स यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया है, इसको रोटेट करते हुए यहाँ पर प्लेस करूँगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर तीन शेप है एग्जाम्पल के लिए, इस तीन शेप को आप किस तरीके से ग्रुप करते हो। ग्रुप करने के ढेर सारे प्रोसेस है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, वो सब कुछ प्रोसेस में आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, होम के अंदर क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप आपको होम के अंदर क्लिक करना है, सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर में जाना है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्लिक करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एज अ होल आपके पास जितना भी शेप्स है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कुछ इस तरीके का एक शेप है, इस तरीके से आपको शेप को यहाँ से इसी तरीके से सेलेक्ट करते हुए ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद दोस्तों देख सकते हो सभी शेप्स इस तरीके से सेलेक्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो शेप्स को इस तरीके से आप लोग जहाँ पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इस शेप को आपको यहाँ पर ग्रुप करने के लिए जस्ट आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन के बारे में क्लिक करना है। आपको सिंपली यहाँ पर ग्रुप वाले ऑप्शन के बारे में जाकर ग्रुप कर देना है। आप लोग देख सकते हो ग्रुप, तो यहाँ पर इस तरीके से ये ग्रुप हो चुका है दोस्तों। देख सकते हो सभी शेप्स के इस तरीके से यहाँ पर मर्ज हो चुका है। अब आपको इस शेप्स को कॉपी करना है, जो भी करना है, डुप्लीकेट करना है, जो भी करना है इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट बनाऊंगा, कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं डुप्लीकेट, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो आ चुका है इस तरीके से। जितना भी आपके पास शेप है तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों बट आपको एक बात ख्याल करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक शेप फिर से क्रिएट करूँ आपको जस्ट समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए ये वाला शेप्स मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। दोस्तों देख सकते हैं ये शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब इसके यहाँ पर शेप ड्रॉ करने के बाद दोस्तों इसी शेप्स को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते कॉपी करते हैं यहाँ पर, मैं इसके एग्जाम्पल के लिए रेड ग्रीन कलर अथवा या फिर ये वाला कलर सेलेक्ट करते इसको सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। आप लोग देख सकते हो ये वाला कलर मैंने इसको सेलेक्ट किया, जस्ट इसको मैं यहाँ से आउटलाइन इंक्रीज कर दूंगा व्हाइट कलर देकर, और इसको मैं यहाँ से आउटलाइन बड़ा कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो शेप से, अगर आपको इस यहाँ पर पीएस के अंदर वाला शेप को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों इसने यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट नहीं करता है, ताकि यहाँ पर भी इस साइड्स के अंदर भी शेप्स है दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से यानी कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से ये शेप सेलेक्ट नहीं होता। आपको सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए आपको जस्ट पेज के अंदर शेप होना चाहिए, जैसे कि ये शेप और ये शेप और ये शेप इस तरीके का इसके अंदर शेप है, एग्जांपल के लिए ये शेप है। इस तीनों शेप्स को आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप लोग इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि इसने सेलेक्ट करता है दोस्तों ये वाला जस्ट पेज का एरिया को ओनली सेलेक्ट करता है इस वाले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से, ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर जाने का जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आपको दोस्तों इस तरीके से सेलेक्ट नहीं होता है। तो सेलेक्ट होने के करने के लिए दोस्तों आपको एक और ऑप्शन है, जैसे कि कंट्रोल कीबोर्ड का कंट्रोल बटन होल्ड करते हुए आपको इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट आपको कंट्रोल बटन होल्ड करना है कीबोर्ड को, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको कंट्रोल बटन होल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर एरोज में एक प्लस का आइकन आ रहा होगा। दोस्तों इस ऑप्शन से आपको ईजिली आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल और कंट्रोल होल्ड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो दो शेप यहाँ पर क्रिएट हो सके, और भी शेप से इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों अब आपको और भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट पर क्लिक करते हो, अब आप इसको ग्रुप करना चाहते हो तो यहाँ से ग्रुप के अंदर जाकर ग्रुप इजीली कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो ग्रुप के अंदर क्लिक करते ग्रुप कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों आपको और भी टेक्निक से सेलेक्ट कर सकते हो ये वाला शेप्स, यानी कि मर्ज कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जस्ट एक शेप के अंदर क्लिक करना है,
फॉर्मेट के बारे में क्लिक करते हैं, आपको दोस्तों जाना है सिलेक्शन पेन के अंदर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्शन पेन है, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जितना भी यहाँ पर शेप्स का काम किया है, यानी कि पिक्चर्स का काम किया है, शेप्स का काम किया है, वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला एरोज को यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेम भी बता करते देगा दोस्तों, एरोज डाउन 22 वर्कर। इसको क्लिक करने के बाद इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों ये दो को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि मर्ज करना है इस दोनों शेप्स को, यानी कि ट्रायंगल और एरोज को। जस्ट आपको क्या करना है, कंट्रोल होल्ड करते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेम भी आ चुका है ट्रायंगल बोलकर। तो इसको यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करके इस तरीके से सेलेक्ट करोगे तो आपको ये भी सेलेक्ट हो जाएगा दो तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोल और कंट्रोल होल्ड करके इस तरीके से सेलेक्ट करने से भी ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको इसको ग्रुप करने के राइट क्लिक करते हो, ग्रुपिंग का ग्रुप भी कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो जो भी प्रोसेस आपको अच्छा लगे वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर फॉर्मेट से जाकर आपको ग्रुप के अंदर क्लिक करते ग्रुप भी कर सकते हो, या फिर यही पर रहते हुए आपको डायरेक्टली राइट क्लिक करते ग्रुपिंग का ग्रुप भी करते हुए ग्रुप कर सकते हो। इसी तरीके से आपको जो भी ग्रुप वगैरह करना है तो वो ग्रुप कर सकते हो। जैसे कि मर्ज आपको बोल सकते हो दोस्तों, इसको मर्ज हो चुका है ये दो शेप्स। इस तरीके से आपको ग्रुप ईजिली कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब आपको और एक शेप्स वगैरह, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर्स वगैरह है तो भी आपको भी पिक्चर्स भी आप मर्ज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। जस्ट आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, पिक्चर्स के अपने जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पिक्चर्स के लिए जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स यूज़ करूँगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला दो पिक्चर्स यहाँ पर मैं सबसे पहले दोस्तों ये वाला पिक्चर्स इंसर्ट करूँगा और इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा और इसको और एक पिक्चर्स में इंसर्ट करूँगा, जैसे कि ये वाला। इस दोनों पिक्चर्स को यहाँ पर रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है दोस्तों। पिक्चर्स इंसर्ट करने से पहले आपको करने के बाद आपको इंसर्ट में रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों अब आपको ये दो शेप्स को, यानी कि ये दो पिक्चर्स को आपको सेलेक्ट करना है, तो किस तरीके से करोगे? तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे कि क्लिक क्लिक करते हुए इसको भी सेलेक्ट करने के सेम प्रोसेस दोस्तों। जस्ट आपको फॉर्मेट सेलेक्शन पेन, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। यानी कि आपके पास पिक्चर्स यहीं पर है, पेज के अंदर ही है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जाकर इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए दो पिक्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों पिक्चर्स आपको पेज से बाहर है तो आपको सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको कंट्रोल होल्ड करते हुए सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको सिलेक्शन पेन से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला पिक्चर्स यहाँ पर है इस तरीके से, तो इसको मैंने यहाँ पर होम के अंदर जाकर सेलेक्ट साइड ऑब्जेक्ट के यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको ऑफ कर दूंगा। तो इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, देख सकते हो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है इस तरीके से। आपको जस्ट ये ओनली ये एक और पिक इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सभी के ऊपर में आपको सेलेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली पूरा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से दोस्तों, देख सकते हो। तो इसी तरीके से भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट वगैरह कर सकते, ताकि ये मैंने ऑलरेडी ग्रुप किया था दोस्तों आगे, इसी को सेलेक्ट करते हो, राइट क्लिक करते हो, ग्रुपिंग का ग्रुप भी इस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों आपको सभी डाउट आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आपको जो भी पिक्चर्स वगैरह मर्ज करना है, या फिर जो भी शेप्स वगैरह मर्ज करना है, सब कुछ मैंने आज के इस वीडियो के अंदर क्लैरिटी के साथ आपको समझा चुका हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर बेली बनाया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चौथ का वीडियो।